हेलो स्टूडेंट, दिस इज क्वेश्चन नंबर 10 ऑफ एक्सरसाइज 10.2। तो वी आर गोइंग टू सॉल्व द क्वेश्चंस ऑफ एक्सरसाइज 10.2। इन द लास्ट वीडियो वी हैव सॉल्व द क्वेश्चंस ऑफ द क्वेश्चन नंबर 9। सो लेट अस हैव द क्वेश्चन नंबर 11 हियर। क्वेश्चन नंबर 10 will be tried by you. You can solve this question without any problem. So question number 11, we are taking the question number 11 here. Ki prove that the parallelogram circumscribing a circle is a rhombus. To ye prove karna hai ki koi bhi parallelogram jo circle ko circumscribe karega to wo rhombus hoga. Circle ko circumscribe karne ka matlab kuch aisa ki ek circle hai और एक पैरेललोग्राम उसको सर्कमस्क्राइब कर रहा है, ऐसा। तो ये पैरेललोग्राम हुआ एबीसीडी ले लें और ये सर्कल है, इसके अंदर इस सर्कल को इस पैरेललोग्राम ने सर्कमस्क्राइब किया, मतलब सर्कल जो है पैरेललोग्राम के अंदर है। अगर ऐसा होता है तो ये पैरेललोग्राम जो है वो रोम्बस होगा। ये हमारा क्वेश्चन है। लिखेंगे गिवन अ सर्कल, एक सर्कल है सर्कमस्क्राइबिंग by the parallelogram ABC। प्रूफ करना है ABCD is a rhombus। प्रूफ, तो पैरेललोग्राम और रोम्बस में क्या डिफरेंस होता है ये हमको जानना चाहिए। और आपको पता होगा कि पैरेललोग्राम के अपोजिट साइड्स इक्वल होते हैं, लेकिन रोम्बस के सारे साइड, ऑल द फोर साइड्स ऑफ रोम्बस आर इक्वल। तो इफ यू कैन मैनेज टू प्रूव दैट द एडजेसेंट साइड्स ऑफ दिस पैरेललोग्राम आर इक्वल, देन वी कैन से दैट ऑल द साइड्स आर इक्वल एंड देयरफॉर दिस फिगर, दिस पैरेललोग्राम विल बी ए रोम्बस। तो हमें ये प्रूव करना होगा कि अपोजिट साइड पैरेललोग्राम का है तो जो इक्वल होता है ये ए बी सी डी के इक्वल होगा, बी सी ए डी के इक्वल होगा। अगर हमने ए बी और बी सी को, किसी भी दो एडजेसेंट साइड को इक्वल कर दिया तो ये हमारा पैरेललोग्राम रोम्बस में चेंज हो जाएगा, मान लिया जाए। तो लेट अस डू, सॉल्व करने से पहले आप देखो यहाँ पे कि पॉइंट ए से दो टेंजेंट बन रहा, एक ए एस और एक ए बी। उसी तरह बी पॉइंट से भी दो टेंजेंट है, डी पी और बी क्यू, सी से है सी क्यू और सी आर, डी से डी आर और डी एस। फिर 10.2 में हमने पढ़ा है कि किसी भी एक्सटर्नल पॉइंट से जो टेंजेंट्स बनते हैं वो इक्वल होते हैं। तो ये इसके इक्वल होगा, ये इसके, ये इसके, ये सी आर सी क्यू के और डी आर डी एस के। इस थ्योरम का यूज करेंगे, लिखेंगे हम लोग कि वाई थ्योरम 10.2 थ्योरम में हमने पढ़ा है कि किसी भी एक्सटर्नल पॉइंट से जो टेंजेंट्स ड्रॉ किए जाते हैं वो इक्वल होते हैं। टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट्स आर इक्वल। तो बाय थ्योरम 10.2 वी कैन राइट ए पी इक्वल ए एस। सिमिलरली वी कैन राइट बी पी इक्वल बी क्यू एंड सी आर इक्वल टू सी क्यू, सी आर इक्वल टू सी क्यू एंड द लास्ट वन डी आर इक्वल टू डी एस। नाउ बाय एडिंग ऑल दिस फोर इक्वेशंस वी विल गेट द रिजल्ट लाइक दिस। तो जस्ट राइट एडिंग इक्वेशन 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4
by adding this equation we will get AP plus BP plus CR plus DR equal AS plus BQ plus CQ plus DS. कन्वर्ट करते हैं, एपी और बीपी को प्लस करोगे आप, एपी और बीपी, तो ये पूरा एबी बन जाता है. तो इसकी जगह पे हम लोग लिख सकते हैं इक्वल में एबी. सीआरडीआर को प्लस करें, सीआरडीआर तो बनता है सीडी, तो हमने लिखा इसके जगह पे सीडी. सिमिलरली इस साइड में एएस को आप डीएस के साथ प्लस करो, तो एएस प्लस डीएस होता है एडी. और BQ और CQ को प्लस करें तो BQ और CQ पूरा बनता है BC. अब जैसा कि आपको पहले से क्वेश्चन में दिया है कि ABCD एक पैरेललोग्राम है, तो पैरेललोग्राम के अपोजिट साइड्स इक्वल होते हैं. AB और CD इक्वल होगा, AB और CD, तो CD को AB में कन्वर्ट कर दें. किसी दो एडजेसेंट साइड को इक्वल दिखाना है तो ये करना पड़ेगा. AD में कन्वर्ट करें या BC में करें, चलिए BC में करते हैं. ब्रैकेट में लिखते हैं अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल. पैरेललोग्राम के अपोजिट साइड्स इक्वल होते हैं, तो AB प्लस AB 2AB हो जाएगा और BC प्लस BC 2BC हो जाएगा. इसके बाद हमारे पास आ गया AB इक्वल BC. तो जैसे AB और BC इक्वल हुआ तो सारे साइड इक्वल हो गए, क्योंकि पहले से AB CD के इक्वल था, BC AD के इक्वल था. अब अगर एडजेसेंट बगल वाले साइड भी इक्वल हो गए, ऑब्वियसली सारे साइड इक्वल हो जाएंगे. तो हम लोग लिख सकते हैं कि AB इक्वल BC इक्वल CD इक्वल AD, हैंस A B C D is a rhombus. तो ये था क्वेश्चन नंबर 11. क्वेश्चन नंबर 12. कुछ इस तरह से है, इसका फिगर दिया हुआ है. और इस क्वेश्चन में हमें AC और AB की लेंथ फाइंड करनी है. तो पहले एक सर्कल है, एक ट्रायंगल के अंदर सर्कल बनाते हैं, कुछ इस तरह से बनेगा. तो ये हमारा ट्रायंगल ए सी बी, यहां पे पॉइंट डी, इसको ई ले लेते हैं और ये एफ. लेंथ दिया हुआ है, सी डी है 6 सेंटीमीटर और DB है 8 सेंटीमीटर. तो ये सेंटर से ये जो डिस्टेंस है, दैट इज रेडियस, ये है 4 सेंटीमीटर. तो ऑल दीज आर द इंफॉर्मेशन विच आर गिवन इन द क्वेश्चन. ओके, तो ये सारे इंफॉर्मेशन दिए हुए हैं क्वेश्चन में. हमको फाइंड करना है ये AC और AB. तो जस्ट राइट क्वेश्चन नंबर 12, गिवन CD CD इक्वल टू 6 सेंटीमीटर, DB इक्वल टू 8 सेंटीमीटर, रेडियस इक्वल टू 4 सेंटीमीटर. एंड टू फाइंड हमें पता करना है AC एंड AB, AC और AB की लेंथ फाइंड करनी है. तो देखिए एक्सटर्नल पॉइंट, थ्योरम 10.2 ये कहता है कि किसी एक्सटर्नल पॉइंट से जो टेंजेंट्स बनते हैं वो इक्वल होते हैं. तो C से टेंजेंट है CD और CF, अगर ये 6 सेंटीमीटर, ऑब्वियसली AB होगा 6 सेंटीमीटर.
उसी तरह से इफ बी डी इज 8 सेंटीमीटर सिमिलरली बी ई विल ऑल्सो बी 8 सेंटीमीटर बिकॉज बाई थियोरम 10.2 वी नो दैट the tangents drawn from an external point are equal. So let us see here. अब ये पार्ट हमको नहीं पता, ना तो ये, इसको हमने लेट कर लिया x. अगर ये x है तो इसी पॉइंट से दूसरा टेंजेंट है, ये भी x ही होगा. तो एनी हाउ इफ यू कैन मैनेज टू फाइंड आउट द लेंथ ऑफ x, वी कैन गेट द AC एज वेल एज AB. तो लेट अस सॉल्व हियर. सॉल्यूशन, ओके, सबसे पहले हम लोग एबीसी का बाय हीरोन मेथड्स एरिया निकालने की कोशिश करेंगे. हीरोन मेथड्स आपको पता होगा, तो लेट अस फाइंड फॉर द एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी बाय हीरोन्स मेथड, हीरोन्स फॉर्मूला. इसमें हमारे पास है ए, ए को हमने ले लिया 14, बी को लिया x प्लस 6 और सी को लिया x प्लस 8. अब x s निकालेंगे फॉर्मूला a प्लस बी प्लस सी बाई 2, s इक्वल टू 14 प्लस x प्लस 6 प्लस x प्लस 8 अपॉन 2. तो s हो गया 28 प्लस 2x बाई 2, s इक्वल टू 2 कॉमन हो सकता है, तो 14 प्लस x अपॉन 2, दैट इज s इक्वल टू 14 प्लस x. तो वी गॉट द वैल्यू लेंथ ऑफ s, वी गॉट द वैल्यू ऑफ s हियर. अब फॉर्मूला लगाए हीरोन्स का, एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला, s into s minus a, s minus b and s minus c. Just put the value at the place of s, we can write 14 plus x and s minus a, that is 14 plus x minus, just see our a, value of a is 14 here, so just we will write 14. S minus b, again 14 plus x, b is x plus 6, but minus sign is there, so this minus will be multiplied to the both number x as well as 6. Therefore we will write here minus x minus 6, and in the same way s minus c, that is 14 plus x minus x minus 8. Now just see here, 14 and 14 will be cancelled out, x and x will also be cancelled out here, again x and x is cancelled out. Now just see what the things are remaining here, this is 14 plus x, here x, and this 14 minus 6 is 8, and 14 minus 8 is 6. Now get the factorization here, 14 plus x into 2 into 2 into 2 into 2 into 3. For this 8, these are the factor, 2 into 2 into 2, and for this 6, 2 into 3. Okay, see 1, 2, 3, 4 2's are here, so we can write 2 2's. Outside the root sign, and the things which are remaining here is 14 plus x, this x will be also here, and 3, so we can write 3x. Okay, so now we get the area is 4 root 14 plus x into 3x. So this is the area of this triangle using the Hieron's formula. Now we are going to find out the area of the same triangle by the other method, and other by the other method using half into base into height. In doing so,
we will have to construct the few things like this. This one is the radius, this is also the radius. Okay. तो फिर से हम लोग एबीसी का एरिया निकालेंगे बट डिफरेंट तरीके से, और वो तरीका है हम तीन ट्रायंगल में बांट दिए हैं पूरे ट्रायंगल को एबीसी को. पहला ट्रायंगल है बीओसी, दूसरा एओसी एंड थर्ड एओबी. तो हम तीनों का अलग अलग एरिया निकालेंगे, जो एरिया आएगा तीनों को प्लस करने पे जो एरिया आएगा दैट विल बी इक्वल टू दिस वन, एंड फ्रॉम देयर बाई कंपेयरिंग बोथ ऑफ देम वी कैन गेट द वैल्यू ऑफ एक्स. So let us solve this and find the area of the triangles. Area triangle BOC and it is equal to half into base BC into height OD, and this one gives you BC is 40 and OD is 4. So we have the area now of triangle BOC. Let us have the area of another triangle, area triangle AOC, and this will be half, base is AC and height will be OF. Values, this is the height, this is the base. AC is x plus 6, OF is 4, so 2 and 4 is cancelled. Now this is 2x plus 12. And for the third one, area triangle AOB, half, base is AB and height is OE. Now the values, half, AB is x plus 8, OE is 4. Cross out. It is 2x plus 16. Okay. These are the areas the 2x plus 16. This is our question number 12 we are doing here. After addition of these three areas, whatever we get will be the area of the entire triangle ABC, because after adding this, this and this, we are getting the total area. Okay. So, according to question, we will write here. According to question, we know that both area will be equal because both are the method, different method, but the area of the same triangle. So it will, they will be equal. So at first we will write this triangle area, 4 into root over 14 plus x vx, and it will be equal to all these three, 28 plus 2x plus 12 plus 2x plus 16. Okay. So now let us solve this. It is 4 comma 4 into 14 plus x vx equal to 28 plus 12, 40 plus 16, 56 plus 2 and 2, 4x. Let us have 4 into 14 plus x into 3x is equal to, let's take 4 as common here. So 4 is common. And the things remaining is 14 plus x. Now this 4 and 4 are cancelled out. Things remaining, 14 plus x into 3x is equal to 14 plus x. Now we have to remove the root sign from here, and in doing so we have to square both sides. Just write squaring both sides by squaring
both sides. We will get the root of this side will be removed at first. So just write 14 plus x into 3x. And here we will get 14 plus x and again 14 plus x because we have a squaring the both sides. Now we can cancel out 14 plus x and 14 plus x. And the things which are remaining here equal to 3x and 14 plus x. Now x will be transferred to this side and it will give us 3x minus x equal to 40, 2x equal to 14. So therefore x equal to 14 by 2 and that is 7. But at last we have to find out the length of AC and AB. So just write here. So AC equal to x plus 6 and it is 7 plus 6 equal to 13 centimeter and AB equal to x plus 8 equal to 7 plus 8 that is 15 centimeter and this is the required answer. Okay. Now the next question, question number 13. Question number 13 इस तरह से है कि prove that opposite sides of a quadrilateral circumscribing a circle. एक quadrilateral है जो circle के बाहर है. तो कुछ इस तरह का है ये क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी. प्रूव करना है कि प्रूव दैट अपोजिट साइड ऑफ क्वाड्रिलेटरल सर्कमस्क्राइबिंग एक सर्कल, एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल जो सर्कमस्क्राइबिंग है एक सर्कल के, उसके जो साइड्स अपोजिट साइड्स हैं वो सेंटर पे सप्लीमेंट्री एंगल बनाते हैं. तो दिस इज द क्वेश्चन. लेट अस फिनिश द फिगर. फिगर में हमें इसको ड्राइंग करना पड़ेगा. दिस ऑल्सो ये रेडियस बनाने पड़ेंगे. पॉइंट लेना होगा. इसके साथ हमें कुछ एंगल्स लेने पड़ेंगे. तो एंगल्स हम ले लेंगे एंगल वन, एंगल टू, एंगल थ्री, एंगल फोर, एंगल फाइव, एंगल सिक्स, एंगल सेवन, एंगल एट. तो क्वेश्चन ये है कि जो अपोजिट साइड्स हैं जैसे ए बी और ये डी सी, ये दोनों मिलके सेंटर पे सप्लीमेंट्री एंगल बनाएंगे. इसका मतलब होता है एंगल ए ओ बी प्लस एंगल सी ओ डी, ये दोनों मिलके 180 बनाएंगे. सिमिलरली बी ओ सी और ए ए ओ ये होगा ए ओ डी और बी ओ सी, ये एंगल ऐसा और ये ऐसा, यहाँ से इस तरह और इस तरह, तो ये मिलकर के 180 बनाएंगे, सप्लीमेंट्री बनाएंगे. इस क्वेश्चन को हम लोग प्रूव करते हैं. तो चलिए प्रूव करें. तो प्रूफ लिखते हैं पहले कि हमें प्रूफ क्या करना है. प्रूफ ये करना है कि एंगल ए ओ बी प्लस एंगल सी ओ डी इक्वल 180 एंड एंगल बी ओ सी प्लस एंगल ए ओ डी इक्वल 180. ये चीज हमें प्रूफ करनी है. तो लेट अस डू. सबसे पहले हम किसी इस तरह के दो ट्रायंगल को कॉमन करेंगे, चाहे इन दोनों को कर लें, चाहे इन दोनों को कर लें, चाहे इसको कर लें और इसको कर लें. ध्यान ये देना पड़ेगा कि वो ट्रायंगल है जिसमें डायगोनल आता हो, ऐसा ओ ए आ रहा हो, इसमें ओ बी आए, ओ सी आए, ओ डी आए, ऐसे दोनों बगल वाले को करने से नहीं होगा.
तो लेट अस डू इन ट्रायंगल AOS एंड ट्रायंगल AOP कॉन्ग्रुएंट करना है, ठीक है, सब कुछ इक्वल है, सारे साइड इक्वल है, OS इक्वल OP, क्यों? क्योंकि ये रेडियस है सेम सर्कल का। नंबर टू, OA इक्वल OA, ये कॉमन साइड है। नंबर थ्री AS इक्वल टू AP, थ्योरम 10.2, एक्सटर्नल पॉइंट से टेंजेंट्स जो ड्रॉ होते हैं वो इक्वल होते हैं, तो देयरफॉर ट्रायंगल AOS इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल AOP बाय SSS, कॉन्ग्रुएंट हो गया। अब क्या करना है, कॉन्ग्रुएंट हो गया तो हम एंगल 1 को एंगल 8 के इक्वल लिख देंगे, ये दोनों एंगल इक्वल होगा CPCT से, और सिमिलरली एंगल 2 इक्वल होगा 3 के, इसी मेथड से अगर हम कॉन्ग्रुएंट करें तो 2 एंगल इक्वल होगा 3 के, 4 इक्वल होगा 5 के, और 6 इक्वल होगा 7 के। अब हमें ये पता है कि किसी भी पॉइंट पे जितने भी एंगल बनते हैं सबका सम 360 होता है, तो लिखेंगे हम लोग कि वी नो दैट सम ऑफ ऑल द एंगल्स ऑन ए पॉइंट इज 360 degree। तो बाय इस मेथड से हम लोग लिखेंगे कि देयरफॉर एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4 प्लस एंगल 5 प्लस एंगल 6 प्लस एंगल 7 प्लस एंगल 8 इक्वल 360। कन्वर्ट करना है, पहले हम AOP और COD लेना है हमें, तो एंगल 1 और 2, 5 और 6, बाकी एंगल्स को भी 1 2 5 6 में कन्वर्ट करें, तो 1 2 हमारा ठीक है, ऐसे ही रहेगा एंगल 1 प्लस एंगल 2, 3 को हम 2 में कन्वर्ट कर सकते हैं तो कर देंगे, 4 को हमें 5 में लेके जाना पड़ेगा तो 4 के जगह पे एंगल 5 और एंगल 5, 6 को 6 ही रखेंगे और 7 को भी 6 में चेंज करेंगे, और इसके साथ एंगल 8 के जगह पे एंगल 1 हो जाएगा। अब आप देखोगे कि एंगल 1 दो बार है, एंगल 2 दो बार है, 5 दो बार है, 6 दो बार है, सारे एंगल दो दो बार आ गए, तो 2 इंटू एंगल 1 प्लस 2 इंटू एंगल 2 प्लस 2 इंटू एंगल 3 सॉरी 2 इंटू एंगल 5 प्लस 2 इंटू एंगल 6 इक्वल 360। 2 कॉमन करें तो एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 5 प्लस एंगल 6 इक्वल टू 360। 2 से इसको क्रॉस कर सकते हो, तो अब क्या बचता, अब आपके पास बचता है एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 5 प्लस एंगल 6 इक्वल टू 180। 1 और 2 इसका मतलब है एंगल AOB, 5 और 6 का मतलब है COD, इक्वल हो गया 180। तो ये इक्वल हो गया, वापस अगर इसी इक्वेशन में आए हम तो सबको वापस हम चेंज कर सकते हैं 7, 8 और 4, 3 में, तो उस मेथड से लिख सकते हैं कि सिमिलरली वी कैन प्रूव एंगल AOD इक्वल सॉरी प्लस एंगल BOC इक्वल 180 और प्रूफ्ड। तो इस तरह से आज हम लोगों ने इस क्वेश्चन को प्रूफ किया। आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू।